तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में सोमवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान कैंपस में भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और यूनिवर्सिटी के चांसलर सुरेश जैन ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस दौरान कैंपस में देशभक्ति गाने गूंजते रहे। चांसलर ने कहा कि युवाओं के बूते ही भारत दुनिया की 5वीं से 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। जश्न आजादी के क्रम में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का कैंपस तिरंगे झंडे के रंगों में रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा देशभक्ति के नारों और तरानों से सराबोर रहा। हाथों में तिरंगा और लबों पर वंदे मातरम, साथ ही भारत माता की जयकार गूंजती रही। इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। तिरंगा यात्रा में नामचीन क्रांतिकारियों जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरोजनी नायडू आदि की तस्वीरें प्रतिभागियों की हौसला अफजाई कर रही थी। वहीं बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एकत्रित हुए। यहीं से कुलाधिपति के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये पैदल तिरंगा यात्रा फैकल्टी रेजिडेंस, मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल्स, प्रशासनिक भवन से होते हुए पवेलियन पहुंचकर अखंड भारत आकृति में तब्दील हो गई। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, कुलाधिपति सुरेश जैन, लॉ कॉलेज के डीन प्रोफेसर हरवंश दीक्षित ने अपने विचार रखे। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हर घर तिरंगा लहराएंगे, आजादी का पर्व मनाएंगे। हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 76 साल पूरे कर चुके हम अपने स्वतंत्रता के, और उसके उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप लोग इसका एक हिस्सा बने हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं जैन साहब को भी कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। आप आज भारत माता की शक्ल में झंडे लेकर खड़े हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, आप सभी को बधाई भी देता हूँ। हिंदुस्तान और उसकी बुनियाद कभी कमजोर ना हो। दायित्व हमारा है, दायित्व आपका है, दायित्व भविष्य का है। जो जो धाती हमको मिली है, जिस रूप में मिली है, उसको बिगाड़ कर देने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है। आगे आने वाली जनरेशन को हम, आप हमारी जनरेशन है, अगर हमने बिगाड़ के दिया है आपको अपनी 21 जो हिंदुस्तान की धाती, तो जिम्मेदार हम हैं। आगे ये गलती न हो, इसके लिए भी एकजुट रहने की जरूरत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सब जो इस भारत के नक्शे के अंदर खड़े हैं, 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम में हर एक में दम है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाए। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि हमारी जो नई तैयारी है कि हम अर्थव्यवस्था में दुनिया के 5 नंबर तक है, 5वें नंबर पर आए हैं। हम सबकी, आप सबकी, खासकर युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि हम शीघ्र ही जब कोई उत्सव मनाएं, कोई नई तैयारी के साथ हम आगे बढ़ें, जो भारत की अर्थव्यवस्था
दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो, ये हमारा टारगेट है। भारत माता की वंदे। आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में आप आए, क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था? आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में तिरंगा यात्रा निकाला गया। एक बड़ा भव्य प्रोग्राम था। मैं तिरंगा यात्रा में तो शामिल नहीं हो सका अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे सारे ही छात्रों को, फैकल्टी मेंबर्स को एक भारत के नक्शे की शक्ल में खड़े देखकर और तिरंगा लहराते देखकर बहुत अच्छा लगा। भारत सरकार के द्वारा इस समय तिरंगा यात्रा कार्यक्रम चल रहा है और मेरी माटी मेरा देश भी, और इसका उद्देश्य है सबको एक करना। हमारे देश की जो तिरंगे की सार्थकता है, क्या हमारा उससे भावनात्मक जुड़ाव है, उसको लोगों को महसूस करने के लिए प्रेरित करना। और दूसरी बात है कि अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए कि हम अपने भारत के हर एक कण पर अपनी ओनरशिप लें, हम उसको सहेजने के लिए, बचाने के लिए सजग हों, इसके लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत पंच प्राण भी किए जा रहे हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर सुरेश जैन जी, उनके नेतृत्व में जो आज हुआ वो इसी बात को रेखांकित करता है। मैं पूरे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी परिवार को अपनी तरफ से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, उनका साधुवाद भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे जो भविष्य हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, और ये जो संदेश जहाँ तक जाएगा उससे हम एक नया जोश लोगों के अंदर जागृत करने में सफल होंगे। नमस्कार, मैं सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। भारत की आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही एक खुशनुमा माहौल में आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने भाग लिया, और उस तिरंगा यात्रा के पश्चात जो पूरी यूनिवर्सिटी में राउंड लगाने के बाद हजारों झंडे उन बच्चों के हाथ में थे, हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की। आज तिरंगा यात्रा के पश्चात, कल भी करेंगे 15 अगस्त को, पर आज 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री अनंजय सिंह IAS, जो कमिश्नर मुरादाबाद हैं। उन्होंने इसका आज मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने यहाँ होना स्वीकार किया। बहुत ही सारगर्भित उनका भाषण था, उन्हीं के द्वारा फ्लैग होस्टिंग की गई, और जो भारत के नक्शे पर जो हजारों हजारों छात्र खड़े थे झंडा लेके, वो जो एक सीन था, वो जो एक दृश्य था, निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छा था। और हमारे 12,000 छात्र उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, तो वो पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरा हिंदुस्तान के बड़े नक्शे में जो हमारे क्रिकेट फील्ड में बना था उसमें वो सारे बच्चे वहाँ, सारे स्टूडेंट्स हमारे खड़े थे, तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। उनमें एक जोश था, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, और सिपाहियों के प्रति, सैनिकों के प्रति जो सलाम था उनका, और जो हमारे शहीदों के लिए जो आज जो श्रद्धांजलि का जो जज्बा था, इतनी गर्मी के बावजूद भी जो जोश था वो काबिले तारीफ़ था। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सारे स्टाफ को, दिल से इस स्वतंत्रता दिवस के आज के इस कार्यक्रम पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कमिश्नर साहब आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ, और पूरे अपने जनपद के और कमिश्नरी के सभी नागरिकों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोगों को आगे बढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था को और ऊपर लेके जाना है, और हमारे युवक और युवतियाँ, हमारे ये स्टूडेंट्स सारी दुनिया में छाने वाले हैं अपनी प्रतिभा के बल पर। मैं उन सबको भी अग्रिम बधाई देता हूँ, और आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हर वर्ष लोगों की भावनाओं को, लोगों की जो ये मैसेज लेके पूरे पूरे कमिश्नरी में फैलाते हो, पूरे ज़िले में फैलाते हो, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।